जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का पर्व, आज विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण जिसकी शुरुआत हो गई। और देखिए, सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर इस चुनाव पर टिकी हुई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। तमाम पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। इसकी मेगा कवरेज आप आज दिन भर एबीपी न्यूज पर हमारे साथ देखेंगे। जम्मू कश्मीर में दूसरे दौर के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होनी थी और आज 6 जिले हैं जिनकी 26 सीटें हैं। इस दूसरे फेज में 239 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जम्मू कश्मीर के करीब 25,78,000 वोटर्स कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस समय मौजूद हैं, जो ग्राउंड से पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और आज जो तस्वीरें देखने के लिए मिलेंगी वो किस तरीके से जमहूरियत के जश्न की तस्वीरें कश्मीरियत वाले अंदाज में बताने के लिए हमारे साथ ग्राउंड से हमारे रिपोर्टर्स, राजौरी के नौशेरा से अजय बाचलू, जम्मू के कटरा से अंकित गुप्ता, बड़गाम से आसिफ कुरैशी, श्रीनगर से जैनेन्द्र हमारे साथ मौजूद होंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं। आज दूसरे चरण के लिए जो वोटिंग हो रही है, देखिए सुबह 7 बजे से समय वोटिंग का, और अभी से जो पोलिंग बूथ है वहां पर आप देख रहे हैं किस तरीके से मतदाता कतार में खड़े हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले आपको जम्मू कटरा लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस समय मौजूद है, जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से वोटिंग शुरू, जरा पोलिंग बूथ की तस्वीर दिखाइए, कैसी रौनक। बिल्कुल रुमाना, वोटिंग शुरू हो गई है, लोकतंत्र का जो है महाउत्सव, और उसमें लोग घरों से निकल चुके हैं। लेकिन देखिए, वोटिंग की तस्वीर दिखाने से पहले, क्योंकि हम कटरा में मौजूद हैं, माता वैष्णो देवी का यहाँ दरबार है, तो पहले अर्ध कुमारी के दर्शन से हम शुरुआत करते हैं। ऊंची पहाड़ियों पर बैठी है माता रानी और उनका दरबार, और यहाँ से जो है ये सीट पहली बार बनाई गई है डिलिमिटेशन के बाद में, वैष्णो देवी सीट, और यहाँ पर आज हो रहा है मतदान। तो ये तो अर्ध कुमारी के दर्शन की बात हुई, अब हम बात करते हैं जनता की, जो कि जो है एक तरीके से अपने उम्मीदवारों का, अपने जो प्रतिनिधि का चयन करने के लिए यहाँ पर पहुंची है, और अपने आप में पहली बार ये इस सीट पर चुनाव हो रहा है। मतदाता सुबह से ही कतारों में लगे हुए हैं और सबके अपने अपने मुद्दे हैं। ये बताइए, सीट पर तो पहली बार चुनाव हो रहा है, क्या मुद्दा? सीट पे पहली बार कोई मुद्दा नहीं है। हाँ। माता वैष्णो देवी के नाम के सीट बनी है, इससे बड़ा मुद्दा है ही कोई नहीं। माता का कोई मुद्दा नहीं, कोई तो मुद्दा होगा, कोई मुद्दा हल कर रही है सब मुद्दे, सब सेम है। क्या मुद्दा आपके लिए? अरे कुछ तो जो है, क्या सोच करके वोट करने आए? वोट विकास के लिए। विकास के आपके लिए, युवा है, पहली बार जो है माता वैष्णो देवी सीट बनी हुई है, क्या सोच करके, क्या मुद्दा? जी देखते हैं अब क्या बनता है, कि अब नए कैंडिडेट भी हैं, कुछ पुराने भी हैं, देखते हैं कौन विकास करता है कौन। तो माना ये है वो जो है, जो मतदाता जो है, नए कैंडिडेट भी है, पुराने कैंडिडेट भी है, देखिए क्या बनता है। ये जिस तरीके की इस समय भाषा बोली जा रही है वोटर्स की तरफ से, वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। अंकित, मैं लौटूंगी आपके पास, जल्दी से दर्शकों को लेकर चलते हैं बड़गाम। हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस समय मौजूद है। हाई प्रोफाइल सीट हो गई है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला सिर्फ गांदरबल ही नहीं बल्कि बड़गाम से भी चुनाव मैदान में। आसिफ, बिल्कुल, देखिए रोमाना, हम इस समय बड़गाम में ही मौजूद हैं और यहाँ पे भी वोटिंग जो है वो शुरू हो गई है। हाई प्रोफाइल सीट इसलिए बन गई है क्योंकि उमर अब्दुल्ला यहाँ पे मैदान में है और तकरीबन जो 5.25 लाख मतदाता इन 5 सीटों पर चयन करेंगे, लेकिन सबसे प्रमुख मुकाबला बड़गाम की इसी टाउन की सीट पे होगा, जहाँ पे जो पूर्व MLA थे वो अब सांसद बन गए हैं। आगा रूहुल आउनू ने अपनी सीट जो है वो उमर अब्दुल्ला को दी है। उमर अब्दुल्ला गांदरबल से भी लड़ रहे हैं, बड़गाम से भी लड़ रहे हैं, और यहाँ पे जो मतदाता है, हालांकि धीरे धीरे ही वो बाहर निकल के आ रहे हैं, और जिस बूथ पे हम खड़े हैं यहाँ पे तकरीबन 8-10 लोग अभी लाइन में मौजूद हैं, 10-20 लोगों ने वोट डाल चुके हैं जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। लेकिन कुल मिला के देखें तो माहौल जो है वो गर्म होता हुआ हो रहा है, क्योंकि मुख्य मुकाबला उमर अब्दुल्ला का आगा मेहदी से होगा, जो कि यहीं इसमें PDP के जो है की तरफ से मैदान में है। लेकिन जिस तरीके का माहौल उमर अब्दुल्ला के इस सीट पे आने से हुआ है, उससे यहाँ पे जो कॉन्टेस्ट है वो रोचक हो गया है। आपके पास